फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो, मजे में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। फ्रेंड्स, मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, स्किप मत किया किया जी कीजिए, वरना कोई पॉइंट रह जाएगा। पर्सनल हीलिंग करवा सकते हैं जो लोग बिल्कुल ही निराश हैं, शांति चाहिए जिनको, वो पर्सनल हीलिंग करवा सकते हैं मुझसे। सातों चक्र एक्टिवेट करा सकते हैं विद कलर्स, बताऊंगी मंत्र भी बताऊंगी। और जो लोग जैसे हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मन हल्का करते हैं अपनी बात बता के, तो मैंने पर्सनल हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग भी शुरू करी है, तो वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक के उपाय, ब्रेसलेट्स एक्टिवेट और चार्ज करा के, कोई धोखा ना दे प्यार को हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और ब्लैक टर्मोलिन, काली नजर और ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, ये सारे होते हैं। तो मैं इनको प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको, और एक्टिवेट और चार्ज करके दे सकती हूँ। आप बता सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके जो चाहिए आपको। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने बहुत कम कर दिए हैं, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो बुकिंग करवाइए फ्रेंड्स। और लोग कर रहे हैं, बहुत बुकिंग करवा रहे हैं, बहुत खुश उनका हो जाता है दिल। वो तो मुझे बाद में भी फोन कर करके मुझे थैंक्स बोलते हैं कि मैम आपने कितना अच्छा रीडिंग करी, मन हल्का हो गया, शांत हो गया, और उनको रिजल्ट्स भी दिखते हैं। ब्लैक मैजिक के उपाय भी मैं बताती हूँ, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे मन की शांति मिलती है, वो मंत्र भी मैं आपको बता सकती हूँ 108 बार बोलने के लिए। लेकिन ये सब कुछ पेड है, फ्री कुछ भी नहीं है। ओके, तो जल्दी से बुकिंग करवाइए। और मैं टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स जिन्हें करना है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत फायदेमंद है। आप लोग ये कोर्स करके अपना करियर भी सेटअप कर सकते हैं, और जिनको करियर नहीं सेट करना, वो अपने और अपने अपनों के लिए निकाल सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग क्या है? और जो लोग प्लीज नए आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए प्लीज। फ्री होता है ये, बस बटन ही तो दबाने होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया करना बहुत जरूरी था। एंजल्स यूनिवर्स का तो मैं करती रहती हूँ, आप लोगों का भी मैं इसलिए करती रहती हूँ शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे मोटिवेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, मोटिवेशन के लिए, आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो रह रहे हैं, वो अगले कुछ घंटों में कैसा फील कर रहे हैं, और गॉड गाइडेंस। चलिए देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबाते जाइए, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवाइए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। ओके, आज हम सबसे पहले ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से देखेंगे। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, कि मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के कुछ आने वाले कुछ घंटे कैसे रहेंगे। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को भी, ब्लेसिंग्स भेजिए मुझे भी, ये रीडिंग बहुत अच्छी हो, मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगे, कुछ उनको काम आए, कुछ उनको गाइडेंस मिले, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पॉजिटिव वाइब्स हो जाएं सारी जगह, मेरे व्यूअर्स को भी पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गॉड्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, सब। ओके, वातावरण पॉजिटिव हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, कंपैरिजन। ओके, हीलिंग। ओके, द सोर्स। ओके, कार्ड्स यहां रख देती हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। सक्सेस। ओके, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। रीबर्थ, वेरी वेरी ओके। ब्रेक थ्रू,
बहुत बढ़िया, पॉसिबिलिटीज, ओके, टर्निंग इन, ओके, पेशेंस, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, वाओ, हार्मनी, द क्रिएटर। चलिए मैं यहां पर साइन बता देती हूं। राशियां बता देती हूं, इनफैक्ट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सॉरी फ्रेंड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस लगता है आप में से कोई बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे खांसी आ रही है बहुत ज्यादा और मुझे फीलिंग भी हो रही है, थ्रोट चोक हो रहा है मेरा, बहुत दुखी है, नेगेटिव एनर्जी में है। प्लीज पॉजिटिव हो जाइए, स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल एंड काम। देखिए मेरे से रीडिंग नहीं हो पाएगी, मेरा गला चोक हो रहा है, आप लोग बहुत दुखी हैं लगता है और नेगेटिव सोच रहे हैं। प्लीज पॉजिटिव सोचिए, प्लीज बी पॉजिटिव। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लेट मी ड्रिंक सम वॉटर। ओके नाउ आई एम फाइन, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज सजिटेरियस लियो, यहां पर मैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी देख रही हूं। शांत हो जाइए व्यूअर्स, शांत हो जाइए। तो आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी का प्यार केयर और आपका प्यार और केयर कंपेयर कर रहे हैं। वो नोटिस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कैसी और मेरे व्यूअर्स कैसे। उनको धीरे धीरे मेडिटेट करके धीरे 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 वो समझ पा रहे हैं सच्चाई को, यथार्थ में जा रहे हैं, हीलिंग हो रही है, हीलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं वो, और उन्हें आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आ रही है। कैसे? क्योंकि जब वो गए थे कुछ गलत बुरे शब्द बोल के, लड़ाई लड़ के, कुछ आपको बहुत ही गंदा बोल के गए हों, अब उन्हें अंडरस्टैंडिंग आ रही है और उनमें पेशेंस आ रही है आपको समझने की। इसमें भी मेडिटेट का है, कुछ सृजन करने वाले हैं वो। दिमाग शांत हो रहा है उनका, जो काले मैजिक करे गए हैं धीरे धीरे अब वो उतर रहे हैं और दिमाग शांत हो रहा है उनका, ब्रेक थ्रू आ रहा है उनके लिए। अब वो सारी बाधाएं तोड़ ताड़ के अलग करके ब्रेक थ्रू आ रहा है उनके लिए। ब्रेक थ्रू मतलब रीबर्थ हो रहा है। देखिए कार्ड आया है, मैं नहीं कुछ कह रही, कार्ड में आ रहा है रीबर्थ हुआ है, उनका नया जन्म हो रहा है। वो मोमेंट टू मोमेंट जीने की कोशिश करेंगे अब खुशी खुशी। सक्सेस आएगा, सक्सेस, सक्सेस का मतलब आपके पास आएंगे वो। ये आपकी भी एनर्जी है, सक्सेस मिल रहा है आपको और उनकी भी है कि सक्सेस मिलेगा। न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की। द सोर्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग होगी, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं आपके पास वापस आने की। क्योंकि वो फ्रेंड्स हीलिंग, मेडिटेशन, हार्मनी, क्रिएशन, पेशेंस, द सोर्स, देखिए कितने अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। न्यू बिगनिंग, मेडिटेशन, पेशेंस, हीलिंग, कुछ सृजन करना, हार्मनी, दिमाग में शांति, मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कंपेयर कर रहे हैं आपको।
अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके लिए, जो आपको गलत समझते थे अब अंडरस्टैंड करेंगे कि आप गलत नहीं थे, क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपका। रीबर्थ होगा उनका, मोमेंट टू मोमेंट जिएंगे अब वो कुछ आने वाले घंटों में। ये कार्ड बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मेडिटेशन का, हीलिंग का, हार्मनी का। देखिए कितनी शांति आ रही है उनको, पॉसिबिलिटीज बहुत है आपके पास वापस आने की। सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, कहाँ जाएगा सक्सेस। देखिए बॉटम में ये था शेयरिंग, अब आपसे शेयर करेंगे वो बातों को, अब नहीं छुपाएंगे, अब जो आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अब और देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं चक्र विजडम कार्ड से। थर्ड पार्टी की ट्रिक्स जान चुके हैं वो, साजिशें षड्यंत्र जान चुके हैं, आने वाले कुछ घंटों में वो जान जाएंगे, कुछ उन्हें आइडिया होगा उसकी चालाकियों का। दिमाग से काम लेने वाले हैं वो, विजडम, अब दिमाग से काम लेने वाले हैं वो, क्या चल रहा है आसपास की चीजों को देखकर नोटिस करेंगे, देखेंगे हो क्या रहा है, काम में भी मन लगा रहे हैं वो, मेहनती तो बहुत है फ्रेंड्स वो। पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, प्यार उमड़ रहा है उनका आपके लिए। इनसिक्योर भी हो रहे हैं अब आपके लिए, ओ मैं छोड़ के आ गया हूं, कहीं वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट तो करेगी वो। डेस्टिनी का कार्ड आया है, किस्मत में क्या लिखा है, यही लिखा है कि वो आपके पास वापस आने वाले हैं, क्योंकि वो पैशनेट हो रहे हैं, उनको प्यार उमड़ रहा है फ्रेंड्स, रिन्यूअल, अब वो नए से होकर आएंगे आपके पास, नयापन आएगा अब आपके रिश्ते में जब वो आएंगे, अब कोई बासापन नहीं होगा। मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, मिरेकल, चमत्कार, और चमत्कार को तो होता ही है। नमस्कार, देखिए अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्या ये सही है थर्ड पार्टी, मैंने अपने सच्चे प्यार मतलब मेरे व्यूअर्स को छोड़ के आ गया, गलत किया मैंने, गलत बोला, मतलब अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर अपने आप से, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन तभी होता है जब अकल आती है, और इस वजह से वो दुख में भी हैं कि आपको दुख दिया है, आपको छोड़ के आ गए हैं थर्ड पार्टी के लिए। वो भी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं फ्रेंड्स, सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं वो, इसलिए इसलिए वो वापस आ रहे हैं। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट होती है ना कि इंसान की जो आठ छठी इंद्री जो खुलती है तो सब चीजें पता चल जाती हैं, तो इंस्टिंक्ट उनकी बहुत काम कर रही है, उनको लग रहा है, लग रहा है मतलब इंस्टिंक्ट, छठी इंद्री काम कर रही है, वैसे तो औरतों की होती है, आपके पार्टनर की भी छठी इंद्री काम कर रही है, पता चल रहा है उन्हें अब यथार्थ सत्य का पता चल रहा है, बैलेंस कर रहे हैं अब वो आने वाले कुछ घंटे में, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज में बैलेंस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनलाइटनमेंट हो गया है उनका, उनको अब सब सच दिखाई देने लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब गॉड गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, इस डेक से, एवरीडे विच डेक से, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बेसिकली लिखा तो प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस है, क्यों, ऐसे आराम से बैठना सीखिए फ्रेंड्स, शांति से, ग्रीनरी कहीं तो होगी आपके घर में, कहीं तो प्लांट्स पेड़ पौधे, वहां बैठ जाइए ऐसे चेयर पे शांति से, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी, शांति मिलेगी। ठीक है मेरे व्यूअर्स, समझे बात को,
फायर मैजिक। ये फायर मैजिक क्या होता है जो आपके लिए गॉड गाइडेंस निकली है? फायर मैजिक होता है हमारे अंदर जितना भी गुस्सा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, हम जो भी सोच रहे हैं गलत सलत, या जो मन में भाव उठते हैं ना, जिनसे उदास हो जाते हैं आप, गुस्सा आता है, वो सब लिख लिख के जला दीजिए। कैंडल रखिए अपने पास, लिखिए मन में जितना भी आपके गुस्सा है उसको शांत करने के लिए, लिखिए वो चीजें जिससे आपको गुस्सा आता है, आपका मन अशांत रहता है, नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आप फील करते हैं बुरा, वो सब लिख लिख कर उस कैंडल से जला दीजिए उस पेपर को, आपको बहुत शांति मिलेगी। फायर मैजिक होता है ये बेटा बच्चों। गॉड गाइडेंस और क्या कह रही है? चेंज एंड प्रोग्रेस। चेंज और प्रोग्रेस आने वाला है, वो तो मैंने पहले ही बताया, आप आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, हो सकता है आ भी गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग कराइए, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, ब्रेसलेट्स एक्टिवेट कराइए, पहनिए, बहुत फर्क पड़ता है। टैरो रीडिंग का कोर्स जिन्हें करना है बेसिक, वो भी करिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जल्दी जल्दी बुकिंग कराइए पर्सनल रीडिंग की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे वीडियोस देखा कीजिए, पुराने भी स्किप मत किया कीजिए। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, ओके? तो आ रहे हैं वो, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, लव मैसेज नहीं। अब मैं आपको गानों से बताऊंगी आपके पर्सन आपको क्या कह रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ओके? खुश रहिए, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू। जो लोग नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबाते हुए जाइए, ये फ्री होता है, थैंक यू। इससे आपको सारे मेरे वीडियोस पता चलेंगे, अगर आप ये दबाएंगे भी तो सारी नोटिफिकेशन बेल से पता चल जाएगा। बेल बटन और ऑल बटन इसलिए होता है कि मेरे जो जो वीडियो आते हैं ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबाते हुए जाइए प्लीज, थैंक यू। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू, बाय बाय।